2580। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने कहा 2580 और मेरा स्क्रीन लॉक खुल चुका है। यहाँ पर ये बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन आज मैं आपको लेकर आया हूँ, जिसकी मदद से आप अपने होम स्क्रीन पर ऐसा लॉक लगा सकते हैं जो सिर्फ आपकी ही वॉइस से खुलेगा, बाकी कोई कितनी भी कोशिश कर ले वो नहीं खुल सकता। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कोई फिंगर टच नहीं किया, कुछ नहीं किया, यहाँ सिर्फ मैं माइक पर ओके करूँगा और मैं कहूँगा 2580। तो ये देख सकते हैं सिर्फ मेरी वॉइस से ही ये खुल रहा है। यहाँ पर मैं कोई और वॉइस, यहाँ पर कोई भी कितनी भी यूज़ कर ले अपनी वॉइस खोलने की कोशिश कितनी कर ले, लेकिन ये नहीं खुलेगा। और यहाँ पर कोई स्क्रीन पर कितना भी टच कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन ये लॉक नहीं खुलेगा। लेकिन यहाँ मैं इसमें माइक में कहूँगा 2580। तो ये देख सकते हैं मेरी वॉइस से एकदम खुल चुका है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे होम स्क्रीन पर अपनी वॉइस से स्क्रीन लॉक लगा सकते हैं जो कि सिर्फ आपकी ही वॉइस से खुल सकता है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी एप्लीकेशन में आ जाना है। एप्लीकेशन में आएंगे तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने शो होगा। तो यहाँ से ये परमिशन आपसे मांगता है, तो परमिशन अलाउ कर देनी है। अलाउ करने के बाद अब हमें करना क्या होगा, ये देख सकते हैं ऊपर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लॉक स्क्रीन स्टेटस, इस पर हम ओके कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। ठीक है, ओके करने के बाद यहाँ से बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद वापस से ओके करेंगे और फ़ोन में इसको परमिशन दे देंगे, एप्लीकेशन को हम परमिशन दे देंगे, ये रही सबसे नीचे, इसको परमिशन दे देंगे और अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद क्या होगा, अब यहाँ से हम बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद अब क्या होगा, ये बैक हो जाते हैं, अब ये वापस से आ जाते हैं हम। ठीक है, अब चलते हैं अपनी एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन को वापस से ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद परमिशन को अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। तो यहाँ पर आपको कुछ भी लिख देना है, या तो एग्जांपल के लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेव कर देना है। सेव करने के बाद सेट पैटर्न का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये आपसे बोलेगा यहाँ पर एक लॉक सेट कीजिए। ठीक है, यहाँ पर कोई भी लॉक आप सेट कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ ये वाला। ठीक है, तो अब इसको नेक्स्ट करेंगे और वापस से वही कन्फर्म करने के लिए हम लॉक डाल देंगे 2580। तो यहाँ तो मैं सिर्फ आपको वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ, लेकिन जो आपका फेवरेट लॉक हो वो यहाँ पर आप सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद ये देख सकते हैं इसको हम यस पर कर देंगे। यस पर करने के बाद अब क्या होगा, यहाँ से बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद अब क्या होगा, यहाँ पर वॉइस लॉक लगाने के लिए आपको सिंपली ये वॉइस के ऑप्शन पर ओके कर देना है। ये देख सकते हैं वॉइस लिखा हुआ है, इस पर हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब हमें करना क्या होगा, ये 2-4 सेकेंड का हमें ऐड देखने को मिलेगा, इसको हम हटा देंगे, यहाँ से हटा देंगे। हटाने के बाद ये देख सकते हैं वॉइस का ऑप्शन इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर हमें इस पर ओके करना है। ओके करने के बाद परमिशन अलाउ कर देनी है और यहाँ से एक लॉक सेट कर लेना है जो भी हमें डालना है। ठीक है, 2580। तो ये देख सकते हैं हमारा ऊपर ये देख सकते हैं लॉक सेट हो चुका है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर इनेबल कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब हमें करना क्या होगा, यहाँ से हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से हमें यहाँ पर अपनी होम स्क्रीन पर आ जाना है। होम स्क्रीन पर आने के बाद अब हमें करना क्या होगा, यहाँ से मैं लॉक लगा कर दिखाता हूँ। और जैसे ही मैं इसको खोलूँगा तो इस तरह से ऑप्शन आएगा। ठीक है, आने के बाद अब जैसे मैं माइक पर ओके करूँगा और यहाँ बोलूँगा 2580। तो ये देख सकते हैं मैंने कहा 2580 और मेरा स्क्रीन लॉक खुल चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरी वॉइस से ये खुल चुका है, लेकिन अब किस कोई और इसको खोलने की कोशिश करेगा तो ये लॉक बिल्कुल नहीं खुलेगा, ये सिर्फ आपकी ही वॉइस से खुलेगा। तो अगर आपको मैं एक बात और बता देता हूँ, अगर किसी तरह से आपकी वॉइस जैसे यहाँ पर कनेक्ट नहीं करता है, कई दफ़ा ऐसा होता है हम वॉइस में गलत लॉक बोल देते हैं और मतलब भूल जाते हैं कि हमने डाला क्या था, तो उसके लिए भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा ये वाला। ठीक है, अगर आपका वॉइस से नहीं खुलता है, जैसे कई दफ़ा ऐसा होता है वहाँ पर कुछ गलत लोग बोल देते हैं और यहाँ पर कुछ और बोलते हैं अपनी वॉइस में, तो वो ये कनेक्ट नहीं कर पाता है, मतलब उसको मैच नहीं कर पाता है और लॉक खुलता नहीं है, तो उसके लिए हमें इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद जो लॉक हमने डाला था ना वाला, तो ये हमें यहाँ एंटर कर देना है और हमारा लॉक खुल जाएगा। तो ये देख सकते हैं काफ़ी आसानी से हम इसको खोल सकते हैं। और आप ये वाला लॉक भी भूल जाते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ये देख सकते हैं फॉरगेट का। फॉरगेट पर करके यहाँ पर हमने जो लिखा था एस, वो हमें यहाँ पर लिख देना है और इसको ये देख सकते हैं ओपन लॉक पर कर देना है। तो ये यहाँ पर हमारा लॉक शो हो जाएगा जो हमने डाला होगा, ये देख सकते हैं मैं लिखूँगा यहाँ पर एस और ये देख सकते हैं ओपन लॉक पर करूँगा, तो ये देख सकते हैं मेरा लॉक शो होने लगा है कि आपने क्या लॉक डाला था, तो ये बता देगा।
तो देख सकते हैं दोस्तों कितनी बढ़िया ये एप्लीकेशन है। तो इस एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसे वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।